अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ याज अहमद। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। बहुत शॉर्ट टाइम है और बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, मगर फिर भी बना रहा हूँ बिकॉज मगरिब होने वाली है और अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो का मज़ा जो है वो कुरकुरा हो जाएगा। ये जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं अपने, ये है फिजी फैन पाम, जो कि मोस्ट बिगेस्ट पाम है मेरे गार्डन के अंदर। मतलब सबसे बड़ा पाम जो है वो मेरे गार्डन में यही वाला पाम है और सबसे पहला भी प्लांट जो है वो यही है। ये दिस इज़ द किंग ऑफ माई गार्डन। तो ये फिजी फैन पाम है, इसको पंखा पाम भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज के अंदर। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है छोटी सी, तो वो मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम आई क्या। बेसिकली ये देख सकते हैं आप कि इसके जो लीव्स हैं, ये देखें, ये येलो होना शुरू हो गए और वो देखें वहाँ तक येलो। और माशाल्लाह से इसका एक एक बड़े एडल्ट जो एलिफेंट होता है ना, उसके जो है वो कान के जितना जो है वो इसका जो है वो एक लीव है, सिंगल लीव। ये जो अभी न्यू ओपन हो रहा है वो है, और ये देखें ये जो ओल्ड है कितना बड़ा है माशाल्लाह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है मेरे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे पास ये कम से कम भी अगर मैं आपको बताऊं तो 4 साल से मेरे पास ये होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ आ रही है। मगर अभी इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम आई है, तो इसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा कि आखिर ये क्या रीज़न है। जब मैंने गौर से इसको जो है ना देखा, लुक आफ्टर करा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 2 प्रॉब्लम इसके साथ आई हैं जिसकी वजह से ये इस तरह हो रहा है। एक तो इसके अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम आई है, वो ये आई है कि मैंने जो लीव्स नीचे गए थे वो इस दफ़ा मैंने हाफ प्रून करे थे, फुल प्रून नहीं करे थे। हालांकि हाफ प्रून अमूमन करे जाते हैं, जैसे कि अभी ऊपर वाला जो है ये हल्का सा साइडों से लीपीस की जो है वो ब्राउन हो गई है, तो हम इसको हाफ प्रून कर सकते हैं। मगर इसके नीचे वाला आप देख रहे हैं कि अभी भी हैगा, तो इसके नीचे वाला जो था, मतलब ये वाला जो था, इसको मैंने बिल्कुल कट कर देना चाहिए था। अगर मैं इसको बिल्कुल कट कर देता तो इसकी हेल्थ जो है वो अच्छी आ जाती। ये मैंने एक ऑब्जर्व करा, दूसरा मैंने ये ऑब्जर्व करा कि इसके अंदर इसका जो पॉट है, बेसिकली ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो पॉट है ये देखें 24 इंची पॉट है, इसके अंदर ये लग रहा है प्लांट। और ये है ब्लू बेल का प्लांट। ब्लू बेल का प्लांट जो है वो अच्छी खासी रूट्स बनाता है, और ये कई सारे थे इसमें। तो मैंने जब इसको देखा तो बड़ा डिजार्ड हुआ कि भाई इसकी वजह से हो रहा है, तो मैंने काफ़ी सारे तो नोच भी दिए, कुछ एक रोक लिए वीडियो बनाने के लिए कि जब वीडियो बनाऊँगा तो फिर उसमें ये दिखा सकूँ कि भाई ये जो प्लांट्स एक्स्ट्रा लग जाते हैं ना, इनको उखाड़ देना चाहिए। देख रहे हैं जड़ अंदर ही रह गई है और ये ऊपर से टूट गए। तो ये बहुत ही मोटी ब्लू बेल जो है एक जंगली प्लांट है, और ये बहुत ही मोटी रूट बना के अंदर चला जाता है, तो इसने काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब करा होगा पंखे को, तो जिसकी वजह से हमारा ये पंखा पाम जो है, फीजी फैन पाम जो है, ये जो है वो मतलब ब्राउनी शेड पे चला गया, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि पानी की किल्लत की वजह से। और दूसरा ये, जिस तरह मैंने कहा कि नीचे का पत्ता नहीं काटा, तो डेफ़िनेटली जितने ज़्यादा लीव्स होंगे उतनी ज़्यादा पानी क्वान्टिटी में चाहिए होगा। नीचे का लीव्स जो है वो ज़ाहिर है पुराना लीव है, तो वो पहले पानी उस तक पहले पहुंचता है, ऊपर के लीव्स में बाद में पहुंचता है। इसी तरीके से इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है, पीछे वाले में भी यही आ रही है। उसके नीचे वाला बिल्कुल येलो हो गया है और मैं उसको काटना ही भूल गया, मतलब कट ऑफ ही करना भूल गया। देखें ये येलो हो रहा है, वही हाफ पूर्ण हुआ हुआ, इसको मैंने काटा नहीं है। अब इसके ऊपर वाला ये तैयार होता हुआ आएगा पीछे से, ये देखें पूरा येलो हो रहा है ये वाला, और मैंने इसको भी नहीं काटा बिकॉज ये उस तरफ चला गया ना, बैक पर चला गया, तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो इस वजह से जो है वो इन सबको काटना, और काटना बड़ा ईजी होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, एक मिनट में ट्राईपॉड को रख देता हूँ वापसी, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस चीज़ से और कैसे काटा जाएगा। तो ये एक लोकल कटर है और काफ़ी पुराने भी हो चुके हैं, मगर ये बेस्ट है बिकॉज़ अगर आप न्यू कटर यूज़ करेंगे तो इतना इतना मोटे है उसकी डंडियाँ हैं कि वो आपका कटर ही ख़राब कर देंगे। तो ये बेस्ट है, ये मुकम्मल लोहे का बना हुआ है, इससे जो है वो हम इसको काट लेंगे ईजिली। तो मैं एक काट के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से काट के। आपने भी, आपके पास भी कोई पुराना पाम है जो कि इतना बड़ा हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है, इतना हेल्दी है माशाल्लाह से, तो इस तरीके का अगर पाम है और उसमें भी ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि ब्राउनी शेड पे जा रहा है, तो इसको जो है वो काइंडली ये लुक आफ्टर करें और देखें। और जो अपने जो एक्स्ट्रा पौधे लगे हुए हैं, अगर उसके बराबर में भी लगे हुए हैं, 3 फीट से दूर दूर रहें पौधे उससे, अगर ज़मीन में भी लगा हुआ है तो 3 फीट से दूर दूर रहें। अगर पॉट में है तो उस पॉट को खाली कर दें, उसमें खाली एक पौधा छोड़ें, और वो आपका पाम होना चाहिए या फिर जो भी प्लांट हो, मगर एक सिंगल ही प्लांट हो। एक जैसे 2 पौधे भी एक साथ ना लगाएं, कोशिश करें एक जैसे 2 पौधे भी एक साथ ना लगाएं, और उसको फिर कट ऑफ कर दें। और जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं, जिस तरह मैंने हाफ प्रून करके छोड़ा हुआ था, इन सबको काट दें, इन सबको काट दें, ताकि ऊपर की जो हेल्थ है वो आपकी दोबारा अच्छी आ जाए। बिकॉज मौसम भी पीछे जो है वो ठंड गुजरी है सारी, अब मौसम थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ है। इस प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल लेवल मौसम पे ग्रो करता है, बिल्कुल लेवल मौसम पे, क्योंकि ये भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसका कोई पत्ता टेढ़ा मेढ़ा, कोई डंडी आगे पीछे, कोई अलग अलग ब्रांचेज़ ये वो नहीं बनाता। एक ब्रांच, एक जैसे लीव्स, सीधा बिल्कुल अपने काम से काम। इसी तरीके से इसको मौसम भी जो है वो बड़ा सीधा साधा सा चाहिए होता है, डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल सही तरीके से अच्छे तरीके से ग्रो करें। बहुत प्यारा है, पाम से बेहतरीन कोई पौधा नहीं होता मेरे नज़दीक, पाम से बेहतर कोई प्लांट नहीं है। जो पाम है वही सबसे बेस्ट प्लांट है। अगर हम बात करेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी तो इस दुनिया में मौजूद हैं, डेफिनेटली मौजूद हैं, मगर वो एक अलग चीज़ है,
वो हमारी ज़रूरत हैं, वो एक अलग ही चीज़ है। और अगर गार्डनिंग और शौक़ के हिसाब से और खूबसूरती के हिसाब से देखा जाए तो पाम इज़ द बेस्ट ब्यूटीफुल और द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द वेरी वेरी वंडरफुल प्लांट। तो बहुत इसकी केयर की ज़रूरत है। मैं आपको करीब से इसको काट के दिखाता हूँ, फिर जो है वो इसी तरीके से मैं पूरा काट लूँगा और फिर पूरा काटने के बाद एक लुक आपको दूँगा कि अब क्या बचा और क्या कट के अलग हो गया है। तो देखें, थोड़ा सा मैं आपको समझा भी दूँ कि ये वाला जो लीव है ये मैंने हाफ प्रून करा हुआ, देखें, और ये जो लीव है ये इसके ऊपर आएगा। तो अब मैंने इसको काटना है तो मैं इसको काटूँगा यहाँ से, ये वाली जगह से मैं इसको काटूँगा। देखें, सेम जो कटर होता है ना फ्लावर कटर, वो उसी हिसाब से बना हुआ था। ये देखें, इस तरह से हम इसको यहाँ से ऐसे करके ये हमने यहाँ से काट देना है। बहुत ही हार्ड है, बहुत ही, क्योंकि बड़ा प्लांट है। ये देखें, ये कट गया। तो ये देखें, ये यहाँ से कट गया। अभी ये इतना हमने छोड़ दिया, तकरीबन 4 इंची का छुटा हुआ है, तो ये खुद ब खुद ही ड्राई हो गया हो जाएगा। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से दोबारा काट देंगे। अभी भी काट सकते हैं, मगर अभी हम नहीं काट रहे हैं, हम इसको भी ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अभी इसे बताया पहले भी, ओ माई गॉड, तो कट गया। कैमरे का भी होश नहीं था मुझे कि किधर गया किधर नहीं गया। तो देखें आप ज़रा, ये देखें ज़रा कितना बड़ा है ये। हालांकि ये हाफ है, मैं फुल वाला भी काट के दिखाता हूँ। अभी आपको फुल वाला भी दिखाता हूँ कि फुल वाला कितना बड़ा होता है। ये देखिए, यहाँ से हम काटते हैं इसको पहले। ओके, तो ये मैंने फुल काट लिया है। अब देखा आपने फुल, अब फुल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा कि हाफ तो उसके कुछ है ही नहीं। हालांकि ये भी छोटा है, इससे ज़्यादा बड़े बड़े माशाल्लाह से भी इसने लीव्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और वो पीछे वाला देखें, ये पीछे वाला, ये देखें तकरीबन जो है वो ड्राई हो चुका है ये वाला। तो इसको वैसे तो मुझे छोड़ना चाहिए था, या आधा आधा काटना चाहिए था, आधा छोड़ना चाहिए था, तो मगर मैं इसको पूरा ही काटूंगा अभी भी। ये मैंने पूरा काट दिया, ये देखें, देखा आपने कितना बड़ा था ये। अब इसी तरीके से हम उस तरफ का देख लेते हैं कि उधर क्या वैल्यू है। अच्छा, ये रहा देखें, ये हाफ है तो इसको भी काटा जाएगा। ये आ गया, तो वो वाला लीव हम चाहें तो काट भी सकते हैं और ना चाहें तो ना भी काटें। तो अभी फ़िलहाल उसको हम नहीं काट रहे हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम छोड़ देंगे। हमने ये वाला लीव जो है वो रखा है, एक लीव ये वाला रखा है। हालांकि ये भी कोई अच्छी कंडीशन में नहीं है, मगर अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। अब ये जो नए खुल रहे हैं, ये देखें, ये दो हैं, एक ये और एक ये। तकरीबन जो है वो 15 दिन के अंदर ये जो ऊपर वाले हैं तकरीबन ये भी खुल जाएंगे इंशाल्लाह। और ये सिचुएशन है, ये देखें यहाँ की। और अब रही बात यहाँ की, ये देखें। तो इसके अंदर मैंने जिस तरह बताया कि ये सारे जो पौधे होंगे ये हमने उखाड़ देना होंगे, ये देखें, ये हमने उखाड़ देना होंगे। इतनी मजबूत जड़ें कि जड़ें टूट के जो है वो सिर्फ जो है वो डंडी टूट जा रही है और जड़ें जो है वो अंदर ही रह जा रही हैं। तो इसको हमें थोड़ी सी गुड़ाई करनी होगी। गुड़ाई करने के बाद हम इसको तोड़ ताड़ के किसी भी तरीके से करके हम इसको निकालेंगे यहाँ से, ताकि हमारा खाली एक प्लांट जो है उसकी सारी रूट जो है वो नीचे अंदर राज करें और बाकी को सबको हम करेंगे आउट। अब आने लगी है मगरिब के जाने, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।